जी चुमरा घर के मोहल्ला तिवारी साहब। क्या नाम है आपका? राजू नाम है। भैया कैसे आपका मकान गिर गया? हमारा कच्चा मकान था साहब पूरा। हमने दो बार अप्लाई की, हमने फार्म भरा हमने, और मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। करीब साढ़े डेढ़ साल पहले हमने फार्म भरा था साहब, करीब डेढ़ साल हो गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई साहब हमारी। आज क्या घटना हुई? आज हमारा पूरा मकान बैठ गया, हमारे तीन बच्चे दब गए उसमें। हमारी मतलब दो बच्चे थे हमारे घर में थी, वे तीनों दब गए और हमारी बच्ची ख़त्म हो गई। और हमारे घर में जो सोसैया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उनका, सीरियस है। अब साहब मतलब जो जो हमने जो आवास जो हमने भरा था, तो उसमें मतलब हमारे लोगों ने मतलब जो पैसे की डिमांड हमारे साहब कुछ नहीं थे हमारे पास, कि हमारे पास कोई धंधा पानी है नहीं साहब। गरीब हैं इस वजह से नहीं? बिल्कुल गरीब हैं, कोई मतलब कुछ कोई धंधा पानी नहीं है साहब। हमारा छोटी सी दुकान थी पान बीड़ी की, वो भी ख़त्म हो गई करके हाईवे आया, उसमें हमारी दुकान हटवा दी गई, दुकान हटा दी गई। विधायक जी करके मतलब हमारे अर्चना पांडे हैं साहब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपके जस्ट बगल में ही विधायक? मुरली तो हमारे बगल में है, हमारे पास ही में है हमारे। फिर भी आवास नहीं मिला? लेकिन कुछ नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिला हमें। हमारा पूरा कच्चा मकान आज बैठ गया, सब दब गई हमारी। अगर आवास आपको मिल जाता तो बच्चे की जान नहीं जाती? हाँ बच्चे की जान नहीं जाती साहब। हमारा हमारी बच्ची ख़त्म हो गई और हमारे घर में एडमिट है सब सही। हमें इसमें न्याय चाहिए हमें, हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हमारी कोई सुनवाई कीजिए साहब। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास दो पैसे की इंतजाम नहीं है हमारे साहब, हम बहुत परेशान हैं साहब। जो खाने पीने का आपका राशन था सारा दब गया? सब दब गया साहब, हमारी पूरी गृहस्थी सब दब गई साहब। और हमने अपने घर में फावड़ा से हटा के बहुत तीन चार लोगों ने मिल के सब हटवा के तब हमने अपने बाल बच्चों को निकाला, बच्चा हमारे ख़त्म हो गया, घर में हमारी एडमिट है। बहुत सही है। अधिकारी को फ़ोन किया था सुबह? अधिकारी को सुबह फ़ोन किया था साहब, किसी ने सुनवाई नहीं की हमारी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया कभी तक। किसको फ़ोन किया था? हमने मतलब यहीं करके SDM साहब को। मामला हुआ है शहर छिबरा मौके तिवारियान मोहल्ला में, कच्चा मकान धराशायी हो गया जिसमें एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हैं, क्या कहना है? देखिए ये दैविक आपदा है, उसमें जैसा कि अभी इनके बेटे बता रहे हैं कि कुछ मकान बनते समय पिछला मकान बन रहा था उनके पीछे वाला, उसमें कुछ समस्याएं थी, उसमें कुछ विसंगतियां होने की भी कुछ बातें कही हैं इन्होंने। अब ऐसी स्थिति में देखिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इनको जो भी सहायता उपलब्ध की जाए उनको सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी, समय अनुसार करा दी जाएगी। बाकी जो भी होगा हमारे लेखपाल साहब रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया। पीड़ित परिवार का कहना है उसे दो बार प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा, लेकिन अभी तक उसको आवास का ना तो लाभ मिला है, साथ ही अधिकारी गुमराह करते रहते हैं पैसे की डिमांड की मांग के कारण। देखिए मुझे ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है और इसमें जो भी बात होगी मैं इनको बोलूँगा कि तहसील परिसर में मैं उपलब्ध हूँ इनके लिए, मेरे से आके मिले। अगर ऐसी कोई बात है, अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो इनको वो त्वरित उपलब्ध कराया जाए। कहीं ना कहीं जब जांच का विषय आता है तो लेखपाल पर भी एक आरोप उठता है कि पैसे का मांग, अगर शायद इस पीड़ित परिवार ने पैसे दे दिए होते तो शायद आज इसका आवास बन गया होता और ये हादसा भी ना होता, इस पर क्या कहें? देखिए अगर कभी मैं आप सबके माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहूँगा, अगर लेखपाल आपसे कुछ मांगते हैं या कोई भी अधिकारीगण आपसे कुछ मांगता है तो आप उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका एक पूरा तरीका है, पहले आप वरिष्ठ अधिकारियों से मिल लीजिए, अगर उस पर भी कुछ नहीं होता है तो आप तहसील दिवस में आइए, वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को आप अपना प्रपत्र दे सकते अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उस पर कार्यवाही की जा रही है और जो भी होगा वो आगे हम देखते हैं। इस पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा क्या मुआवजा दिया जाएगा? अभी देखिए जो भी लेखपाल साहब की रिपोर्ट के अनुसार जो भी मुआवजा होगा, जो भी बनाया जो सरकार ने जिस राशि को उपलब्ध कराया है वो त्वरित तौर पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।